सीधा लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। ऐसी 7 लाख किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में 70,000 किलोमीटर राजस्थान में बनी, किसानों के उत्थान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो एक बड़ी सौगात है, छोटा कर्जा जिससे वो साहूकारों से मुक्ति पाए और उस कर्जे से अपनी खेती की छोटी जरूरतों को पूरा कर सके, तो किसान क्रेडिट कार्ड ने एक युगांतरकारी परिवर्तन किसानों के जीवन में किया। तीसरा, यहां पर हर चीज का बीमा होता था, बकरी का, मोटर का, मकान का, दुकान का, ऐसे में किसान की जीती जागती फसल का बीमा, वो फसलों की बीमा योजना, ये वाजपेयी साहब ने शुरू की और आगे तक उसमें और परिवर्तन संशोधन होकर कालांतर में दूसरी नीतियों में भी वो तब्दील हुई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो पूरे तरीके से देश को समर्पित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर के आंदोलन में थे और उनके आखिरी शब्द थे वाजपेयी साहब को, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो उस आंदोलन से जुड़ गए थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, बाद में उनका बलिदान हुआ, उन्होंने वाजपेयी साहब को ये संबोधित करते हुए कहा कि मैं जा रहा हूं, वाजपेयी आप देश को संभालना। एक उस समय की कही गई बात कालांतर में वो सत्य साबित हुई और वाजपेयी जी ने देश को बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित तरीके से आगे चलाया, गठबंधन की राजनीति को देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिया। आज हम लोग उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा से स्मरण करते ही हैं। 25 दिसंबर उनकी जन्मतिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे ख्याल से उनकी, क्योंकि वो उदार मना थे, कवि हृदय थे और आज भी उनकी बहुत सारी पंक्तियां और उनके जो संकलन है कविताओं का, वो देश के पार्टी से इतर भी लोग उनको पढ़ते हैं। भाई सर, एक सवाल, बीजेपी ऑफिस के पीछे गाड़ी उतरती है और उसमें नोटों की गड्डी आती है और उसमें सैन्य बल जो होते हैं, अर्धसैनिक बल, उनकी मौजूदगी में गाड़ी आती है। मुख्यमंत्री जी, पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियों में पैसा आता है बीजेपी? मुख्यमंत्री जी का कोई पकड़ ही नहीं सकता, अब उनको कौन बात? मुख्यमंत्री जी इन दिनों कुर्सी की असुरक्षा से इतने असहज होंगे, इतने विचलित होंगे, इसकी मैं कल्पना नहीं करता था। एक किसी बड़े जिम्मेवार प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गैर जिम्मेदाराना, बेतुकी और बेबुनियाद बात करेगा, ये भी मेरी समझ से परे है। इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज का अपमान करेगा, उनको माफी मांगनी चाहिए कि जिस पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं, किस तरीके की अच्छी टिप्पणियां, ये क्या संभव है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार में कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस तरीके से नोटों की गाड़ियां भर के किसी दफ्तर में पहुंचाते होंगे। और उन्होंने ये टिप्पणी शिष्टाचार के खिलाफ भी की है कि एक राजनीतिक दल के दफ्तर पर और इस तरीके की टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि उनका एक मानसिक विचलन को ही प्रदर्शित करता है कि आदमी बहुत ज्यादा विचलित होता है। विचलित क्यों है ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस देश के नक्शे से गायब हो रही है, उनको आशंका है कि राजस्थान में भी यही हश्र होगा, उसको ये रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरीके के बयानों से तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि आदमी कितना तनावग्रस्त है, कितना विचलित है और कितना असंतुलन उनके मस्तिष्क में है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने पैरामिलिट्री को इस तरीके से निशाना पर लिया, इस तरीके से उसका अपमान किया, उनको मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस पहले रही है क्या? नहीं, कांग्रेस में रही है और ये भी हो सकता है क्योंकि उनको कोरोना के बाद और सरकार का जो दबाव है, कई बार उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, गजनी फिल्म की तरह, तो ये संभव है कि वो कांग्रेस की बात बता रहे होंगे और उसमें बीजेपी का नाम निकल गया होगा। उनको ये जरूर कहते तो समझ में आ जाती कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक यही काम देश में किया, लूट और झूठ का उन्हीं का काम था। आज जिस तरीके से उनके पापकर्मों से पर्दा उठने लगा है कांग्रेस के लोगों से, तो वो ईडी का, सीबीआई का, एजेंसीज का नाम लेते हैं। ये संस्थाएं पहले भी थी और संविधान के द्वारा ही प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वो काम करती हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई इस पर शोध होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी की मानसिकता पर। एक और आरोप लगाया है
2000 रुपए का नोट जो है नोटबंदी के दौरान ये इसलिए चलाया गया ताकि वो कम जगह घेरें और इनको आसानी हो खरीद फरोख करने में, पैसा इधर से उधर पहुंचाने में।